आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट, इन सब पर प्रभाव पड़ता है ना। उनमें से हम पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। वेपर डेंसिटी मेथड के द्वारा अगर हम एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो वो 120 आता है, जबकि उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट 60 है। क्यों डबल आ रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल एक डाइमर बना देते हैं और उसके कारण वेपर डेंसिटी मैथड में उसका वेट 120 आ रहा है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर वेट को प्रभावित कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव O के ऊपर ये H दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास आने पे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये H इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से यहाँ डाइमर बन गया और इस डाइमर के कारण इसका मॉलिक्यूलर वेट 120 आ रहा है, जबकि एक्चुअल वेट इज 60। एक्चुअल वेट ऑफ एसिटिक एसिड, ये वेट जो डबल आ रहा है वो क्यों आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण डाइमर बनने से आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है ना। किसी भी एसोसिएटेड मॉलिक्यूल में से, बल्क में से एक एक मॉलिक्यूल को इवॉपरेट करने के लिए उसके चारों तरफ के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। इसी तरह से अगर हम देखें ग्रुप 15, 16 और 17 के हाइब्रिड्स को, 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सनिक, एंटीमनी, इसी तरह से ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके हाइड्राइड्स अगर देखें तो NH3, PH3, ASH3, SBH3, इसमें H2O, H2S, H2SC, H2TE, HF, HCl, HBr, HI। वैसे तो वेट बढ़ने के साथ साथ नॉर्मल प्रॉपर्टी है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ आने पे, क्योंकि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस का वेट ज़्यादा है, आर्सनिक उससे बड़ा साइज का और वेट ज़्यादा है, तो वेट बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। लेकिन इन सभी ग्रुप्स में फर्स्ट मेंबर का एक्सेप्शनली बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। इनका वेट कम होते हुए भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। कैसे हम इसे समझा सकते हैं? क्योंकि अमोनिया में अभी हमने देखा था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाता है। इन सब में, इन तीनों में ही, वाटर में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन हो जाता है और HF में भी एसोसिएशन होता है। इसलिए अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे कम पे है PH3, उससे ज़्यादा ASH3, उससे ज़्यादा SBH3, लेकिन सबसे ज़्यादा अमोनिया। इसी तरह का ट्रेंड इन 16 और 17 ग्रुप में भी है कि जो फर्स्ट मेंबर है, मॉलिक्यूलर वेट कम होते हुए भी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। और वो क्यों है? क्योंकि इस तरह से, जैसे अमोनिया में इस तरह से एसोसिएशन हो रहा है, उसी तरह से वाटर में भी एसोसिएशन हो रहा है। इस तरह से एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। सिमिलरली H2O के अंदर भी इसी तरह से एसोसिएशन है। और इस एसोसिएशन के कारण बल्क में से एक मॉलिक्यूल को इवॉपरेट करने के लिए उसके चारों तरफ के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा और उसी से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जबकि अगर मॉलिक्यूल्स में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा
एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण वेट कम होते हुए भी फर्स्ट मेंबर्स ऑफ हाइड्राइड जो ग्रुप 15, 16, 17 के हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट H2O और H2S को कंपेयर करें तो H2O लिक्विड है जबकि H2S गैस है, और जबकि ऑक्सीजन और सल्फर ये ग्रुप 16 के ही एलिमेंट हैं ऑक्सीजन और सल्फर, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और स्मॉल साइज है, जबकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और साइज भी बड़ा है, इसलिए वाटर के अंदर मॉलिक्यूल काफ़ी पोलर हो जाएगा। H2O में इस तरह से पोलैरिटी डेवलप हो गई है H और O के बीच में, और उस पोलैरिटी के कारण एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन आ रहा है। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एसोसिएशन आने से वाटर का जो स्टेट है वो लिक्विड हो जाता है, क्योंकि क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन एसोसिएट हो जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट होने से इसका स्टेट लिक्विड में चेंज हो गया। जबकि H2S में सल्फर का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन नहीं होगा, और अलग अलग रहने के कारण डिस्क्रीट यूनिट्स के रूप में रहने के कारण गैसियस रूप में होगा, और यहाँ एसोसिएशन के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एसोसिएशन से ये इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड में चेंज होगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम सॉलिडिटी। सॉल्युबिलिटी, एल्कोहल्स को हमने देखा कि पानी में घुल जाते हैं। क्यों घुल पा रहे हैं एल्कोहल पानी में? क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो लोअर एल्कोहल्स जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, करीब 3-4 कार्बन तक के एल्कोहल वाटर के साथ सॉल्युबल है, क्योंकि वो पानी के साथ इस तरह से इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं। जब एल्कोहल में ये R पार्ट का वेट अगर बढ़ जाए, यानी कि 5 कार्बन, 6 कार्बन और मोर कार्बन, ज़्यादा कार्बन वाला अगर ये पार्ट हो, तो एल्कोहल्स का वेट, इसका वेट ज़्यादा होने से ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, इसलिए हायर एल्कोहल पानी के साथ सॉल्युबल नहीं है, केवल लोअर एल्कोहल्स मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, केवल यही पानी में घुल जाते हैं इस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद।